हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6 में। ध्यान से इस सवाल को समझिएगा, क्या हमें ये सवाल कहना चाहता है। सेम फॉर्मेट है ये वाला भी, जो अभी तक हम कर रहे हैं वही फॉर्मेट हमारा ये वाला है। e की पावर x दे रखा है 1 प्लस में, साइन x दे रखा है नीचे 1 प्लस में, हमें cos x दे रखा है और dx हमें बोल रहा है। अब इसको हम आगे कैसे करेंगे देखिए, सिंपल सी चीज है, कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसमें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स नहीं है, तो मैं सेपरेट कर लूंगा। देखो वन के नीचे पूरा लिख लूंगा, यहां पर अगर मैं सेपरेट करके लिखना चाहूं वन अपॉन में वन प्लस कोस एक्स आ जाएगा, और एक मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन में वन प्लस कोस एक्स आ जाएगा डीएक्स। इसमें देखो अब अगर मैं देखू यहीं से चेक करूं कि क्या एक फंक्शन है और एक एफ डैश एक्स है उसका, तो आप देखो अगर मैं इसको फंक्शन मानता हूं, अगर मैं इसको फंक्शन मानता हूं वन अपॉन में वन प्लस में कोस एक्स, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन करने पर कभी भी हमारे पास साइन एक्स बटे वन प्लस कोस एक्स आ सकता है? आप करके भी देख सकते हैं, यू अपॉन वी का मेथड लगा के फटाफट चेक कर सकते हैं एफ डैश एक्स क्या आएगा। यू वी एज इट इज रहता है, यू का हम करते हैं तो जीरो आ जाएगा, माइनस वी एज इट इज रहेगा और माइनस यू एज इट इज रहेगा, वी का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या आएगा, वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, सॉरी वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास क्या दे रखा है ये, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, बस स्क्वायर आगे एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे, e की पावर एक्स वन अपॉन में, आपने पढ़ा होगा कोस टू एक्स होता है ना, ये के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और एक होता है वन माइनस में टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। मुझे इस वन को रिप्लेस करना है, मतलब ये वन हट जाना चाहिए, तो मैं इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला यूज करूंगा, यानी कि वन प्लस में टू कोस स्क्वायर, अब यहां एक्स था यहां टू एक्स है, तो अगर टू एक्स के फॉर्मूले में एक्स आता है तो यहां पहले ही एक्स दिया गया है तो एक्स बाई टू आएगा, यहां पर एंगल हाफ हो जाएगा, माइनस में वन आएगा प्लस। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो साइन जो टू एक्स होता है वो होता है टू साइन एक्स इन टू में कोस एक्स, तो अगर साइन एक्स है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टू साइन, क्या मेरे पास आ जाएगा, टू साइन एक्स बटे दो और कोस एक्स बटे दो। तो यहां पर मैं साइन की जगह भी क्या लिख लूंगा, टू साइन एक्स बटे दो कोस एक्स बटे दो, और नीचे सेम आएगा टू कोस स्क्वायर एक्स बटे दो माइनस वन। अब देखो क्या चेंज है, क्या कर सकते हैं, वन से वन चला जाएगा, ये वन से वन चला गया, इस टू से ये टू भी चला जाएगा, और एक कोस से एक कोस चला गया, तो यहां तो क्या बच गया, देखो अगले वाले पेज पे देख लेते हैं, e की पावर एक्स वन अपॉन में टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, और वन अपॉन में कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। अगली स्लाइड पे हम देखते हैं e की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाय टू बटे में दो, ठीक है, एक तो हमने ये लिख लिया, यहां क्या बचा है, साइन साइन एक्स बटे दो प्लस डिवाइडेड बाई कोस एक्स बटे दो, तो प्लस में मेरे पास क्या बचा है, टेन एक्स बाई टू और डीएक्स। अब ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन जो होता है टेन एक्स का वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन एक्स इस साइड में है, सेक स्क्वायर इस साइड में है, बट आप सोचो कि सर ये टू भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप देखो हमें यहां पर किसका डिफरेंशिएशन करना था, टेन एक्स बाई टू का, तो सबसे पहले करेंगे टेन का, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और x बटे दो का अलग से करेंगे तो 1 बाई टू भी मेरे पास आएगा, भाई सिंपल सी बात है 1 बाई टू आएगा, तो ये जो 1 बाई टू है ना ये कहां है, ये डिवाइड में ही तो है, कहीं आप सोच लो कि सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर देते हैं, बट ये हमारा एंगल है और ये जो 2 था वो नीचे जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ये वाला तो फंक्शन है इस केस में और ये वाला एफ डैश एक्स है इस केस में, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा e की पावर x इन टू में टेन एक्स बटे दो प्लस में सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस सवाल के लिए। उम्मीद करूंगा ये सवाल सबको समझ में आया होगा, शेयर सबसे कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर करके जाया करें, और अपने सारे डाउट्स आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।